हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर हमेशा की तरह। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इंस्टाग्राम के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। हाँ दोस्तों, तो ये फैक्ट्स आप सुनकर मतलब आपका दिमागी माइंड ब्लो हो जाएगा। तो वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। इस चीज़ के लिए वीडियो एंड तक देखते हो तभी आप इस वीडियो का मज़ा ले सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को इंजॉय करते हो तो प्लीज़ सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। एक बार वीडियो देखना ज़रूर, कंटेंट देखना ज़रूर। अभी यहाँ तक आए हो तो इतना नेट वेस्ट किया था, देख के जाना ही। और नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना हमेशा की तरह। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट से इंस्टाग्राम के फैक्ट्स की बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं ये वाला इंस्टाग्राम फैक्ट। मतलब क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम जो है इसका नाम पहले इंस्टाग्राम भी नहीं था। हाँ दोस्तों, ये तो मैंने भी नहीं सुना था। तो एक आदमी था जिसका नाम था केविन सिस्ट्रोम। हाँ दोस्तों, ये जो है पहले एक जीमेल को और इसके बाद में उन्होंने गूगल डेवलपमेंट में काम किया। तो इसके बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी मतलब वो काम कर रहे थे एक ऐप पर, तो वो सोच रहे थे कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाए जो लोकेशन बेस्ड फ़ोटो शेयर करता हो। मतलब लोकेशन जहाँ पर हो वहाँ से फ़ोटो शेयर करने को मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ से नोट्स डाल सकते हो, शेयर कर सकते हो पब्लिकली सभी लोगों तक। तो ये बनाने के लिए उन्होंने एक ऐप सोचा करने का और वो उस पर ही काम कर रहे थे। और इसका ऐप का मतलब इस ऐप का नाम उन्होंने रखा है बर्बन। हाँ दोस्तों, तभी उसने इस ऐप का नाम रखा था बर्बन। मतलब वो बिस्किट वाला बर्बन नहीं है, वो बर्बन है BURBN। हाँ दोस्तों, तो इस ऐप का नाम पहले बर्बन था इंस्टाग्राम का। इसके बाद में जब वो उस पर काम कर रहे थे तभी उसको एक और आदमी मिला जिसका नाम था माइक क्राइगर। तो ये दोनों ने मिलकर इस पर बहुत ज़्यादा काम किया और उन लोग ने इस ऐप को बर्बन को चेंज करके नाम बना दिया इंस्टाग्राम। हाँ दोस्तों, आपको पता है इंस्टाग्राम का मतलब क्या है। इंस्टाग्राम का मतलब है इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम। हाँ दोस्तों, एटलांटिक में इसका मतलब यही होता है, मतलब दोनों वर्ड्स को जोड़ते हैं तो इसको इंस्टाग्राम कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार फैक्ट है जो मुझे भी नहीं पता था। इसके बाद में अगला जो फैक्ट है, मतलब क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम का सबसे पहला पोस्ट किसने और कब किया था। तो ये जो पोस्ट था वो उसके ऑफिशियल जो भी जिसने भी ये ऐप बनाया था बर्बन, तो इसी ने पोस्ट किया था। सिस्ट्रोम जिसका नाम था उसी ने सबसे पहला पोस्ट किया था 2010 में जुलाई 16 को। तो उसने सिंपल से अपने एक कुत्ते का फ़ोटो डाला था और अपनी गर्लफ्रेंड का उसमें एक फूट था, तो ये फ़ोटो जो है उन्होंने डाला था और नीचे कैप्शन में लिखा था टेस्ट। ये तो ऑफिशियली मतलब ओवरऑल जो फर्स्ट पोस्ट था वो था, लेकिन उससे पहले जो इसके ओनर मतलब इसके पार्टनर थे जो माइक क्राइगर थे, उन्होंने सबसे पहला पोस्ट ऑफिशियली डाला था। इसके बाद में जो है उन्होंने डाला तो वो कंसिडर करते हैं क्योंकि वो सबसे पहला जो है इंस्टाग्राम का उन्होंने इन्वेंशन किया था, तो उसको पहला कंसिडर करते हैं। लेकिन उससे पहले माइक क्राइगर ने डाला था मतलब एक बीच का फ़ोटो जो है उन्होंने डाला था और ऐसे ही उसको देखने को कि ये कैसे काम करता है। और ये उन्होंने सिर्फ एक जो रेंट होता है ऑफिस, उन्होंने रेंट पर लिया था वहाँ से ये चीज़ें अपलोड की थी। तो आप सोच सकते हैं अभी ये कहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके बाद में क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम जो है वो सबसे पहले सिर्फ स्क्वायर के लिए था। हाँ दोस्तों, मतलब जो भी आप फोटो वीडियो तो नहीं था, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी अपलोड करते थे वो सिर्फ स्क्वायर में किए जाते थे। तो उनको पहले मतलब समझ में नहीं आता था कि चीज़ें कैसे काम करेगी आगे चल के, तो उन्होंने फ़िलहाल इसको 1:1 रेशियो में बना दिया। अभी तो आपको बताया लैंडस्केप में वर्टिकल में सभी चीज़ें आपको मिलती है, लेकिन ये सबसे पहले जब भी अक्टूबर में 2010 में जो है ऐप स्टोर पर आया था तभी जो है लोग इसको यूज़ करने लगे। लेकिन इस पर एक प्रॉब्लम था, मतलब समझो आप आईफिल टावर के सामने हो और आप खड़े हो नीचे और ऊपर आपको पूरा आईफिल टावर चाहिए फ़ोटो में, तो फ़ोटो तो आ जाता लेकिन इंस्टाग्राम पर ये चीज़ अपलोड नहीं होती थी। मतलब पूरा एक मतलब एक फ्रेम में अपलोड नहीं हो सकती थी, कोई ना कोई पार्ट कट हो जाता था। तो उसके बाद में उनको पता चले कि इसको इम्प्रूव करने थे, तो 2015 में जो उन्होंने ये चीज़ हटा दी और लैंडस्केप में वर्टिकल में जैसे आप फ़ोटोज़ जो भी अपलोड करना चाहते थे वैसे आप अपलोड कर सकते थे। लेकिन तब तक जो है इंस्टाग्राम फेसबुक ने खरीद लिया था। इसके बाद में क्या आपको पता है कि फेसबुक को जो इंस्टाग्राम है वो सिर्फ लॉटरी के ज़रिए से मिला था। हाँ दोस्तों, एक लॉटरी थी। इंस्टाग्राम को जो है फेसबुक ने सिर्फ कैश और जो स्टॉक था उसकी मदद से खरीदा था। ये उन्होंने मतलब ऑफिशियली बिडिंग विडिंग करके नहीं खरीदा था, बस उनके पास कैश आया था और स्टॉक्स आया था, उसके जो भी पार्ट था वो उसने जो है इंस्टाग्राम में डाल दिया और इंस्टाग्राम को खरीद लिया। तभी तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता था, लेकिन अभी जो है इंस्टाग्राम की वैल्यू है $100 बिलियन। हाँ दोस्तों, तो इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, पता नहीं अभी कौन इसको खरीदेगा। और आपको पता है कि अभी ये मेटा का है, मतलब मेटा ने इसको ऑफिशियली, एक मेटा एक पार्ट है फेसबुक का ही,
तो अभी मेटा इसके साथ में काम करता है इंस्टाग्राम का और सभी व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह। तो हाँ, मेटा ने इसको लिया और इंस्टाग्राम के जो रील्स है वो $3 बिलियन के, मतलब एक साल में वो इतनी अर्निंग करके देते हैं इंस्टाग्राम को। तो अभी तो वैल्यू मतलब सर पे चढ़ रही है, अभी कोई भी इसको ख़रीदने के बारे में सोचेगा भी नहीं, इतनी ज़्यादा इसकी कॉस्ट है। इसके बाद में सबसे लास्ट फैक्ट है, मतलब क्या आपने कभी सोचा होगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा लाइक किया गया फ़ोटो है इंस्टाग्राम पर? नहीं ना। तो हाँ, सबसे पहले जो था वो काइली जेनर का था। ये एक सबसे पॉपुलर जो है सेलिब्रिटी है और आपको पता ही होगा, सर्च करके देख लेना। तो इसकी जो है डॉटर का सबसे पहला इसने फ़ोटो डाला था और इस फ़ोटो को करीब करीब 40 मिलियन के आसपास लाइक्स थे और ये थी 2019 से पहले की बात। लेकिन जब भी एक जो ब्रिटिश एडवर्टाइज़र एक एग्जीक्यूटिव थे, दो लोग थे जिन लोग ने मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड एक का अकाउंट बनाया और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये अंडा जिसने मतलब सबसे पहले जो अंडे का फ़ोटो डाला और लिखा उन लोगों ने कि इसको सबसे वर्ल्ड का मोस्ट लाइक पिक्चर बना देते हैं, तब से लेकर सिर्फ 6-7 महीनों में जो इस पोस्ट पर करीब करीब 55 मिलियन लाइक्स आए थे, मतलब ये सबसे ज़्यादा लाइक किया गया अभी तक का पोस्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और आपको भी पता ही होगा। तो ये 5 फैक्ट्स थे जो काफ़ी अमेजिंग थे और होप आप मतलब इन्जॉय किया होगा आपने इन फैक्ट्स को देखकर, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इतना वीडियो पसंद करते हो, इतना देखते हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो चलो, मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टेलर ग्रेटिस यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।